हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के व्याकरण से कुछ ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जिनके नंबर एकदम फिक्स होते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हिंदी के हम मज़ेदार टॉपिक रस, छंद और अलंकार को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको बता दें बच्चों, प्रत्येक के दो दो नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। इस तरह से आपको इस वीडियो के मदद से 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये नंबर फिक्स होते हैं, इसमें भाई कोई दुविधा नहीं होती है, इसलिए बच्चों इनको बेहद अच्छी तरह से चलिए हम सीख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है रस। देखिए बच्चों, रस में बहुत सारे रस हैं, लेकिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रस है क्या। देखिए, रस का मतलब है भाई कोई भी चीज़ है, चाहे वो आम का रस हो, ठीक, अंगूर का रस हो, किसी मिठाई का रस हो, लेकिन वो रस तो हमें आनंद ही देता है ना। तो रस क्या होता है बच्चों, किसी भी काव्य को सुनकर, देखकर, ठीक है ना, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है। जरूरी नहीं कोई काव्य है, मतलब देखने वाली चीजें, नाच नौटंकी जो भी है, ठीक है ना, ये मंचन जो है, जो भी आपके क्या होता है मंच पे कार्यक्रम होते हैं वो हो, या फिर कोई किताब है, ठीक, या कोई ऐसी बातें, कुछ भी हो बच्चों, उन सबको सुनने में या देखने में हमें जो आनंद मिलता है वो होता है रस। और रस में सबसे पहला हम देखेंगे बच्चों श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस एक ऐसा रस है रसगुल्लों, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस क्या है, देखिए आपको केवल एक परिभाषा याद कर लेना किसी एक रस की, और सब में आपको सेम इसी तरह से लिखना है बच्चों, केवल बदलाव होगा तो वो होगा अस्थाई भाव में। तो देखिए श्रृंगार रस कैसे लिखेंगे, कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। देखिए विभाव क्या है, विभाव का मतलब कारण, ठीक है ना, अनुभव का मतलब ये उस कारण से जो भी चेष्टाएं होती हैं, जो हम अनुभव करते हैं वो अनुभव होता है। संचारी भाव का मतलब उन चेष्टाओं से द्वारा हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो जाए, जैसे हम मतलब हंसने लगें, ठीक है ना, चेहरे पर मुस्कान आ जाए, रोम रोम खड़े हो जाए, वो संचारी भाव होता है, का संयोग होता है। यानी जब विभाव अनुभव तथा संचारी भाव का मिलन होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से। अब अस्थाई भाव क्या होते हैं, ऐसे भाव जो शुरू से अंत तक किसी व्यक्ति के अंदर बने रहते हैं वो होते हैं अस्थाई भाव। जैसे श्रृंगार में से तो भाई अगर नायक नायिका यानी प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं बच्चों, तो शुरू से अंत तक उनके अंदर प्रेम की ही भावना होगी, है ना। तो वही चीज होता है कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है यानी मिलन होता है, तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए श्रृंगार में भी हम बात करें तो वियोग होता है, संयोग होता है। वियोग श्रृंगार वहां होता है बच्चों जब नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो, ठीक है ना, यानी उनके बिछड़ने का वर्णन किया गया हो, ठीक, बिछड़ने के बारे में जिक्र किया गया हो, तो वहाँ वियोग श्रृंगार। और नायक और नायिका के मिलन का अगर के मिलन की बात करें तो संयोग होता है, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस ही लिखना है, संयोग वियोग बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। तो श्रृंगार रस का कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। देखिए यहां पर क्या है बच्चों, एक नायक और नायिका के बारे में बात किया गया है, कि कहत नटत रिझत खिझत, ध्यान से समझिएगा आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें श्रृंगार रस है। तो रति मतलब होता है प्रेम। तो देखिए कहत नटत यानी घर में कोई सभा है, पूरी सभा यानी घर के रिश्तेदार, घर के सभी सदस्य बैठे हैं, और ऐसे समय में यानी नायक नायिका भी उस सदन में है, तो कहत नटत, ठीक, यानी नायक अपने जो नायिका है यानी जो प्रेमी है प्रेमिका को कुछ इशारे से कहता है, ठीक, यानी उसको मिलने के लिए या बात करने के लिए ऐसी मतलब चेष्टाएं करता है। कहत यानी कहता है, नटत मतलब प्रेमिका उसको क्या है मना कर देती है, रिझत खिझत इससे क्या है वो रिसिया जाता है, और मिलत खिलत लजियात, और जब उन दोनों के नयन मिल जाते हैं तो लड़की क्या है यानी जो प्रेमिका है वो लजिया यानी क्या है मतलब उसको लाज लग जाती है, शर्म आ जाती है, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। और यानी कहने का मतलब यहां पर यह है बच्चों कि इस प्रकार वो भरे भवन में, भरे भवन का मतलब कि भरे हुए सदन में भी वो नैनों नैनों से ही बातें
कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है रसगुल्लों, श्रृंगार रस है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा रस। चलिए अब हम देख लेते हैं वीर रस। हमने बोला ना बच्चों परिभाषा सेम है, हालांकि और भी तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं, अभी वो भी हम बताएंगे, ठीक। लेकिन क्या लिखना है, जैसे हम लिखेंगे बच्चों कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए बच्चों इसमें भी क्या है कि भाई विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होगा। विभाव का मतलब भाई हमारे अंदर देखिए कोई अगर वीर रस उत्पन्न होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कहने का मतलब ऐसे ही वीर रस हमारे अंदर नहीं आ जाएगा, ऐसे ही हमारे शरीर में वीरता वाला जोश जुनून नहीं आएगा, ठीक। या इसको वीर रस को और एक तरीके से लिखते हैं कि जब किसी युद्ध, ठीक है ना, युद्ध की गाथा को सुनकर या उसको देख करके, ठीक, हमारे अंदर कोई उत्साह उत्पन्न हो जाता है तो वो होता है वीर रस, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा आपको इसका बेनिफिट यह है बच्चों कि कोई भी रस हो सेम इसी तरह से लिखेंगे, केवल यहां पर अस्थाई भाव बदलना है बस, ठीक है ना। तो इसलिए ये परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है। तो वीर रस का मतलब यह है बच्चों कि देखिए कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होगा, यानी ये तीनों मिलेंगे तो उत्साह नामक स्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। उत्साह का मतलब देखिए हमारे अंदर जोश और जुनून, हमें पता है जब हम कोई ऐसी मूवी देखते हैं जो देश के लिए हो, यानी जिसमें क्या है बहुत ही ज्यादा दुश्मनों को मारा जा रहा है, ठीक है ना, यानी वीरता की बात आ रही, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे अगर हम बात करें तो मूवी की दुनिया में चले अभी गदर 2 भाई तहलका मचा रही है, हाल ही में रिलीज हुई है ना। तो ये चीजें जब आप ऐसी चीजों को देखते हैं तो शुरू से लास्ट तक आपके अंदर केवल क्या है वीरता वाली बात आती है, आपका रोम रोम खड़ा हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, मन कहता है भाई काश मुझे भी मिल जाए हथियार तो दुश्मनों को क्या कर दूं, पोस्टमार्टम कर दूं दुश्मनों का, है ना, ऐसी फीलिंग आती है। तो वही चीज है बच्चों कि वीर रस का जो अस्थाई भाव है वो उत्साह है। तो परिभाषा समझ गए किस तरह से लिखना है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है आपको केवल परिभाषा लिखना है, एग्जांपल दो नंबर मिल गए। तो यहां पर उदाहरण के तौर पर एक पर यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक, एग्जांपल कि बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए भाई ये आप बचपन से ही पढ़ते चले आए होंगे कि बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी ये जब गाथा हम सुनते हैं बच्चों तो ही हमारे अंदर क्या है जोश जुनून आ जाता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, यानी वीर रस की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, ठीक। माँ तुझे सलाम, बॉर्डर और उसके बाद गदर, ये सब मूवी देख लो ना तो अंदर से जोश आ जाता है, ठीक। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला। चलिए अगला जो रस है हास्य रस। तीन ही रस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, श्रृंगार, वीर और हास्य। इन तीनों को आप तैयार कर लीजिए बच्चों, अथवा में ही आते हैं, एक करना होगा कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली कर सकते हैं। देखिए इसकी भी परिभाषा सेम होगी कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, विभाव अनुभाव संचारी भाव ने बता दिया, विभाव का मतलब कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है ना, अनुभाव यानी उस कारण से, ठीक, यानी जो कारण होगा उस कारण से आपके अंदर कोई चेष्टाएं होंगी, यानी कुछ चीज आप फील करेंगे, अनुभव करेंगे। संचारी भाव यानी उससे आपके अंदर जो चीज हो प्रकट हो जाए, ठीक है ना। तो इन सबके द्वारा क्या होता है, इनके संयोग से हास नामक स्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक है कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। अब यहां पर भाई बात ही ऐसी की गई कि हंसी छूट जाए। देखिए आप जब भी कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तो उसमें हमेशा बच्चों हास्य रस में रंग रूप आकार के द्वारा ही हमारे अंदर चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक। किसी का हुलिया है कि भाई जैसे अब क्या है कि किसी का शक्ल ऐसे, जैसे आप मूवी में देखे होंगे कि जो भाई हैंडसम है उनको कॉमेडी करने का रोल नहीं दिया जाता है। साउथ में ब्रह्मानंदन है, कादर खान हिंदी मूवी में है, जॉनी लीवर है, परेश रावल है,
तो इनकी शक्ल ही ऐसी है कि भाई देख करके ही ऑडियंस को मजा आ जाता है। तो इनका वेशभूषा, इनका रंग रूप, इनकी चाल ढाल कुछ अलग होती है, ठीक उसी से हमारे अंदर क्या है, हंसी की भक्का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि अब इसमें देखिए सीधी सीधी बात कर रहा है कि बुरे समय को देखकर गंजे तो क्यों रोए, कि भाई एक गंजे आदमी से बात की जा रही है कि तू बुरे समय को देखकर क्यों रो रहा है और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। कि लेकिन क्या कह रहा है कि भाई तू बुरे समय को देख करके क्यों रो रहा है, तेरा किसी भी समय में मतलब किसी भी हालत में तेरा बाल बांका नहीं हो सकता है। तो भाई जब वो गंजा ही है तो बाल बांका कहां से होगा। तो यहां पर क्या बच्चों, हास्य रस है, ठीक है ना, समझ गए। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए दूसरा टॉपिक है बच्चों अलंकार, ये भी आपका दो नंबर का पूछा जाएगा, यानी दो नंबर में आपका अलंकार भी पूछा जाएगा। तो अलंकार में सबसे पहला हम देख लेंगे बच्चों उपमा अलंकार। देखिए अलंकार का मतलब होता है सजाना, ठीक है ना, ये जो काव्य की शोभा बढ़ा दें ऐसे शब्द अलंकार होते हैं। तो अलंकार का मतलब ही होता है मतलब संवारना, सजाना, ठीक। तो अलंकार में सबसे पहला अलंकार हम देखेंगे उपमा अलंकार, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपमा का मतलब होता है तुलना, ठीक, ऐसे आप समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। उपमा का अर्थ ही होता है बच्चों तुलना। अब उपमा अलंकार में लिखेंगे कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय क्या है बच्चों, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। जैसे हमारी तुलना अगर किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही तो हम उपमेय हैं और दूसरा व्यक्ति उपमान है। तो यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता के आधार पर की जाए तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। यहां पर हमेशा तुलना की जाएगी, बस इतना याद रखना, लेकिन तुलना होगी भी तो बच्चों समानता के आधार पर, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, समानता के आधार पर होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि फूलों सा चेहरा तेरा और कलियों सी मुस्कान है। सुना होना का? आपने सुना होगा कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, ऐसा गाना है ना बच्चों। तो उसी में कह रहा कि फूलों सा चेहरा तेरा और कलियों सी मुस्कान है। तो जो चेहरा है भाई, यहां पर किसी नायक नायिका के बारे में कहा गया है, मूवी में हीरोइन हीरोइन है भाई, तो इस हीरोइन की तुलना की गई फूलों सा चेहरा, यानी फूलों के जैसा ही चेहरा है और कलियों से मुस्कान है, यानी कलियों की तरह मुस्कान है, यानी इसमें जैसा फूल है वैसे चेहरा है और जैसी भाई कलियां होती हैं वैसे मुस्कान है, कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर क्या है, उपमा अलंकार। जैसे आप एक और एग्जांपल लिख सकते थे कि सी मुख सुंदर चंद्र समाना, कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बात समझ में आई रसगुल्लों? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला। चलिए दूसरा है बच्चों रूपक अलंकार। रूपक यानी रूप दे देना, यानी किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु का एकदम रूप दे देना, हूबहू सेम उसी की तरह, ठीक। तो रूपक अलंकार में लिखेंगे कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार। भेद रहित आरोप का मतलब है जय भाई उपमेय को उपमान की ही संज्ञा दे दें। जैसे जीवन क्या है भाई, जैसे अगर हम कहते हैं ना कि भाई जैसे जीवन एक जैसे पानी के बुल्ले के समान है तो के समान बोलेंगे तो उपमा अलंकार। या जीवन एक पानी का बुल्ला है या पानी का एक बुलबुला है तब हम क्या कहेंगे, रूपक अलंकार, ठीक है ना। यानी अगर के समान के जैसे की तरह हटा दिया जाए वहीं पर डायरेक्टली, यानी उसी का रूप दे दिया जाए, ठीक। जैसे हमारा शरीर चलता फिरता कारखाना है, ठीक, तो हमारा शरीर और कारखाना दोनों एक ही बता दिए गए हैं। अब अगर कह दिया जाए शरीर चलते फिरते कारखाने की तरह है तो उपमा अलंकार, लेकिन शरीर एक चलता फिरता कारखाना है बच्चों तो रूपक अलंकार। यानी यहां पर क्या है, भेद रहित आरोप होता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं समझ में आता है। उपमेय का मतलब हमने बताया जिससे तुलना करें, मतलब जिसकी तुलना करें, और उपमान का मतलब जिससे तुलना करें, ठीक। बात समझ में आई बच्चों? तो ये होता है उपमेय और उपमान। जैसे यहां पर एग्जांपल है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो भाई राम रतन
कि राम और रतन में कोई अंतर नहीं है। रतन का मतलब समझ रहे हैं आप, सोने चांदी यानी जो जवाहरात हीरे मुहर ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की यहां पर कहा गया है कि मैंने राम रूपी धन पा लिया है। राम रतन धन पायो की मतलब वही है कि राम रूपी जो धन है वो क्या है, प्राप्त कर लिया है। तो इसमें राम और रतन में कोई अंतर ही नहीं रह गया है, ठीक है ना। प्रभु श्री राम एक रतन की तरह है, यानी वो जो धन है बिल्कुल मतलब रतन से कम नहीं है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल कि चरण कमल बंधव हरि राई, मैं इसमें देखिए क्या है, इसमें जैसे बात करें तो इसमें चरण कमल बंधव हरि राई, तो मैं कमल मतलब कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर जो कमल है और चरण है दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, रूपक अलंकार। समझ गए, ठीक। अब इतना ध्यान देना बच्चों कि जो आपका उपमा और रूपक दोनों में यही अंतर होता है। उपमा में समानता के आधार पर तुलना होती है, लेकिन रूपक में रूप ही दे दिया जाता, कोई अंतर ही नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। यहां पर भी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना होती है, बशर्ते क्या, समानता के आधार पर नहीं, उसमें एक दूसरे में कोई अंतर ही नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, यानी भेद रहित आरोप हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद अब हम देख लेते हैं अगला। चलिए अगला है बच्चों यमक अलंकार। यमक का मतलब ही होता है युगल यानी जोड़ा, ठीक है ना। यमक अलंकार तो जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। मतलब समझ गए बच्चों, युगल यानी जोड़ा, यमक इतना आप समझ जाएंगे अर्थ, तो अर्थ आप मतलब परिभाषा आराम से लिख लेंगे। यमक का मतलब याद रख लीजिए बस, यमक यानी जोड़ा। तो जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, मान लेते हैं दो बार आ गया और उसका अलग मतलब अर्थ जो है अलग अलग हो, तो वहां पर अलग क्या होता है, यमक अलंकार। जैसे यहां पर देख लीजिए, समझ जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। उदाहरण हमने रखा है कि काली घटा का घमंड घटा। देखिए बच्चों, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का मतलब क्या है बच्चों, बादल एक है, और दूसरे यहां पर घटा का मतलब क्या है, घटना, ठीक। तो कह रहा काली घटा का घमंड घटा, काली घटा यानी काली घटा, यहां काले बादल की बात कर रहा है, और घमंड घटा यानी घमंड के घटने की बात कर रहा है। तो यहां पर घटा और घटा शब्द दो बार आया है बच्चों, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक घटा का मतलब बादल है और दूसरे घटा का मतलब घटना यानी कम होना है। दूसरा एग्जाम्पल कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, ठीक ना, गाना सुना होगा ना कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन, ऐसा गाना सुना होगा आपने। तो सोना कितना सोना है और सोने जैसा मेरा मन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, ठीक है ना। अरे भाई मेरा की बजाय तेरा होता है गाने में क्या, ठीक ना, मेरा तेरा क्या होगा उस पर मत जाइएगा, लेकिन यहां पर मतलब है तो सिर्फ हमें किससे, सोना। तो सोना कितना सोना है, तो एक सोने का अर्थ है बच्चों सोना यानी आभूषण जो आपका होता है मेटल धातु। सोना कितना सोना है, अब सोना का मतलब सुंदर, एक सोना का मतलब समझ गए कि सोना कितना सोना है, और सोने जैसा तेरा मन या मेरा मन क्या है भाई, हमें ठीक से याद भी नहीं बच्चों, लेकिन इस पर मत जाइएगा, ठीक। बस इतना याद रखना कि यहां पर एक सोने का मतलब है कि सोना यानी आभूषण वाला जो मतलब मेटल होता है धातु, और दूसरा सोना का मतलब सोना जिसको बोलते हैं यानी सुंदर, ठीक है ना। तो समझ गए, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला है, एक और है बच्चों, क्योंकि चार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चार तो आपको बेहद जरूरी है कि आप अच्छे से तैयार कर लें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी हमने नहीं पिक किया है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कि श्लेष, श्लेष का मतलब होता है कि भाई गोंद या चिपकाना, श्लेष का मतलब क्या, चिपकाना, इसमें समझ लीजिए अर्थ चिपका रहता है। तो श्लेष का अलंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है।
बात समझिएगा, इसके पहले यमक था, वहां पर हमने बताया था कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, लेकिन श्लेष में क्या है कि जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, दोनों में यही अंतर है। इसके पहले यमक में क्या होगा, एक से अधिक बार आएगा शब्द, लेकिन श्लेष में एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा, उसमें भी अर्थ अलग अलग लेकिन वहां पर एक से अधिक बार शब्द आएगा, लेकिन इसमें एक ही बार आएगा जैसे, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कह रहा प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है, ठीक है ना, कह रहा कि प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है, तो एक एग्जांपल ये है दूसरा है, ठीक है ना, दो अलग अलग एग्जांपल हैं। तो प्रियतम बतला दो लाल, लाल का मतलब क्या है बच्चों, एक लाल का मतलब होता है बेटा यानी पुत्र, और एक लाल का मतलब होता है रत्न। तो यहां पर जो लाल शब्द आया है ये आपको दिख रहा है, इसका दो अर्थ हो गया, यानी एक ही बार आया है बच्चों लेकिन इसके दो अर्थ हो गए, एक लाल का मतलब बेटा हो गया, दूसरा लाल का मतलब रत्न हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल, भाई ये तो फेमस एग्जांपल है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, कि रहमन पानी राखिए, ठीक है ना। अब ये मत देखिएगा पानी पानी पानी, अरे कई बार आया, नहीं, पानी शब्द है उसकी आवृत्ति बार बार हुई उससे नहीं मतलब है, कि रहीमन पानी राखिए, तो इसमें कहा गया कि भाई पानी जो है उसको क्या है मतलब वो बचा कर रखना चाहिए, कौन सा पानी अभी बताते हैं, कि कह रहा है कि अगर पानी चला गया, यानी इसमें कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, कि पानी को मतलब बचा कर रखिए क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सुन है, और पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, किसका, मोती मानुष चून, यानी अगर मोती का पानी चला गया भाई कहानी खत्म, दोबारा वो चमक नहीं आएगी। मानुष यानी मनुष्य का पानी, पानी का मतलब लाज, उस अगर जिसको मान सम्मान इज्जत बोलते हैं वो चला गया भाई खत्म, ठीक है ना, गांव में कोई पूछेगा भी नहीं। और चून का मतलब चूना, चूने का भी पानी अगर मर गया तो वो चूना भी बेकार। तो वही कह रहा है कि भाई अगर मोती मनुष्य और चूना इन तीनों का पानी एक बार चला गया तो फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो यहां पर पानी शब्द एक बार है लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, श्लेष अलंकार। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों छंद। छंद भी आपका दो नंबर का होगा और छंद में आपको तीन छंद देखने हैं, कौन कौन से चलिए हम देख लेते हैं। पहला तो दोहा, वैसे आप दो ही तैयार कर लीजिए, 100% है बच्चों आ ही जाता है, क्योंकि अथवा में होता है एक ही करना है तो काहे का झंझट पालना, ठीक। चलिए पहला देख लेते हैं दोहा। अब भाई आप भली भांति इससे परिचित होंगे बच्चों कि दोहा क्या होता है, नहीं पता डोंट वरी, चलिए हम सिखाते हैं। तो दोहा क्या है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है ना, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें चार चरण होते हैं, जब जिसमें कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये रहा दोहा की परिभाषा, आएगा कि भाई परिभाषा यानी दोहा को उदाहरण सहित समझाइए, तो दोहा की आप परिभाषा लिखेंगे और फिर उदाहरण। तो देखिए हमने क्या बताया, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है ना, इसमें सममात्रिक नहीं अर्ध सममात्रिक यानी आधा आधा, ठीक, और इसमें चार चरण होते हैं, तो एक चरण ये हुआ, दो तीन और चार, ऐसे अलग अलग करके, पहले और तीसरे में कह रहा है ये पहला चरण हो गया और तीसरा, भाई पहला दूसरा तीसरा होगा, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं अभी काउंट कर लेंगे, डोंट वरी, और कह रहा है दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं वो भी गिन लेंगे, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि हमें कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, वैसे अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद है लिख दीजिए, कोई गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, ताकि पता रहे। जैसे बच्चों ये है तो इसमें दो है और गुरु को हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से, ठीक है ना, थोड़ा यश के तरीके से, तो दो हो गया भाई, इसमें एक है, ठीक, एक मात्रा यहाँ पर भी है, तो इसमें दो गुरु हैं, ठीक है ना, एक यहाँ पर है और ये बड़े में है, ये भी दोनों गुरु हैं, और यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर एक क्या है लघु है, ये भी लघु है, और ये गुरु है और ये एक
लघु है। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो भाई ये तो गुरु है, बड़ा है, एक एक है इसमें अलग अलग, इसमें गुरु है, ठीक, ये भी झाई पर है, ठीक है ना, ये गुरु है और उसके बाद एक ये है और एक ये गुरु है, ठीक, यानी बड़ा। और यहाँ पर ये गुरु आएगा आधा और मिलाकर गुरु आता है, और एक छोटा, ठीक, ये भी सॉरी एक होगा, ये भी एक लघु होगा, ये भी लघु, और यहाँ पर भी लघु है, यहाँ पर भी लघु, ये दीर्घ और ये लघु, यानी दीर्घ यानी गुरु है। अब देख रहे, कह रहा कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं है। क्या हैं? दो हो गया भाई, दो दो चार, दो छः, छः दो आठ, दो दस, दो बारह, एक 13, ठीक है ना, इधर 13 हो गया। इसमें भी देख लेते हैं, दो एक तीन, एक चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, एक 13। इसी तरह इसमें भी आप गिनेंगे तो 11-11। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो चलिए यहीं से आपको हम समझा देते हैं सोठा की भी परिभाषा। तो दोहा का जस्ट उल्टा सोठा होता है, वो हमने नहीं लिखा बच्चों, यहां पर नहीं बता रहे, लेकिन आप बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हैं, डोंट वरी। बस क्या करना है बच्चों, जो सेम परिभाषा आपने लिखा इसी का उल्टा कर देना है, कि यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण, इतना लिखना है कि इसमें पहले और तीसरे चरण में क्या लिखेंगे, 11-11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। किसमें? सोरठा में। सोरठा दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है, और जो दोहा आपने इस तरह से लिखा इसी का उल्टा फिर लिख देंगे। सेम यही एग्जांपल अगर है, आपको नहीं याद है, इसी का उल्टा लिख दीजिए। पहले ये लिख दीजिए कि राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो, फिर श्याम हरित द्वित होए, जातन की झाई पड़ो। यानी ये वाला आगे लिख देना, ये वाला पीछे, ये वाला आगे, ये वाला पीछे। यो परिभाषा क्या हो जाएगी किसकी? सोरठा की। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये हमने देखा दोहा को, और दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है। उल्टा का मतलब पूरी परिभाषा मतलब क्या है, उल्टी हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों चौपाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जितना दोहा है उससे ज्यादा चौपाई है। चौपाई तो सेवर है, अथवा में चाहे सोठा दे चाहे दोहा दे। तो चौपाई को अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों। हालांकि एग्जांपल इसका थोड़ा बड़ा होता है, बट डोंट वरी, ऐसा एग्जांपल बताएंगे जो रटा रटाया है। तो चौपाई में कैसे लिखेंगे बच्चों? यह एक सममात्रिक छंद है, यानी अर्ध सममात्रिक नहीं, यानी इसमें मात्राएं समान होती हैं सब में, ऐसा नहीं कि 13 है 11 है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। और इसमें अंतिम दो वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए, इतना जरूर याद रखना बच्चों, ठीक है। इसमें अंतिम दो वर्ण जो होने चाहिए वो गुरु लघु नहीं, यानी गुरु लघु नहीं होना चाहिए कि गुरु है लघु है, दोनों ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया कि क्या लिखेंगे बच्चों? कि यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, बस इतना ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और भाई एग्जाम्पल तो एकदम रटा रटाया, बहुत सारे एग्जाम्पल थे, लेकिन हमने एकदम आसान वाला एग्जाम्पल रखा है बच्चों, कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो भाई यहां पर समझ लीजिए, अगर हम बात करें तो महावीर की, भाई बजरंग बली जी की क्या है आरती, आप हमेशा बोले होंगे भाई, आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर आप हिंदू धर्म के हैं या कोई अदर है, वॉट एवर बच्चों, कोई धर्म मायने नहीं रखता है, हमें मानव का तन मिला है तो हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमने बांट रखा है, ठीक, बात समझ में आई। कोई भी कास्ट हो ये मैटर नहीं करता है भाई, अल्लाह कहो या राम भगवान एक हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि अल्लाह कहो या राम भगवान एक हैं, बस प्याले अलग अलग हैं मगर जाम एक है, ठीक। तो प्याले अलग हैं भाई, जाम एक ही है, तो कुछ भी चाहे अल्लाह उनको बोलो चाहे भगवान राम को, कुछ भी नहीं, ठीक। ये हमारे सोच का वहम होता है, हमारी सोच ही अगर भाई अच्छी है नहीं है तो सब चीज़ें हमें बेकार ही लगेंगी। तो खैर छोड़िए, आते हैं टॉपिक पर। कह रहा हूँ बच्चों इसमें देखिए कि सब में 16 मात्राएं, आपको 1 2 3 चार चरण हैं और चारों में क्या है, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना, 16 मात्राएं होती हैं। जैसे आप काउंट कर लेते हैं किसी एक का, जैसे यहाँ पर एक है, ठीक है ना, एक एक हो गया, यहाँ पर एक है लघु है, यहाँ पर एक, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये लघु है और ये भी लघु है, ये क्या है बच्चों, आपका दीर्घ है, ये लघु है और ये
लघु है। तो 16 मात्राएं गिन लेते हैं, क्या 16 हैं? 1, 2, 3, 4, 2, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, और 12, 2 कितना हो गया, 14, 2, 16। तो 16 मात्राएं होंगी, ठीक ना। इसी तरह आप काउंट कर लेंगे, इसमें भी अगर आप ऐसे देखेंगे बच्चों, ठीक है ना, इसमें भी इस तरह से अगर आप गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो आपको क्या है, सब में 16-16 मात्राएं आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी इसी तरह से आप सब में गिनते हैं तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी, इतना ध्यान देना। तो फेमस एग्जांपल है भाई कि जय हनुमान, आप तो इसको तो हम भाई हर कोई क्या है रटा होगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भाई इस तरह से आप क्या है रट सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इसीलिए हमने एग्जांपल एक सिंपल वाला रखा है, ऐसा नहीं भाई डिफिकल्ट रखने से कोई मतलब नहीं है बच्चों। वही चीज आप देखिए जो इजिली याद कर सकें, ठीक, क्योंकि एग्जाम टाइम इतना प्रेशर होता है, तो एग्जांपल वही रटो जो एकदम आसान हो, याद कर सको, ठीक। तो बस इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।